गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जो एनवायरनमेंट 1996 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीलिम्स के अंदर सवाल आए हैं उन सभी को बहुत डिटेल में करेंगे। मैं पहले ही आपको ये बात बता दूं कि मैं दावा कर सकती हूं कि आपको किसी भी किताब के अंदर जितने डिटेल से हम एक एक सवाल को यहाँ करने वाले हैं वैसा एक्सप्लेनेशन, वैसा एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बिल्कुल दावे से बोल सकती हूँ। इसके अलावा अगर किसी को PDF चाहिए होगा इस वीडियो का, जितने भी हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर किया हुआ है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो कि कमेंट बॉक्स में दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। एनालिसिस के ऊपर जो जो हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे थ्रू करके। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे, क्यों करना है इतना ज़्यादा इन डेप्थ जाके, क्यों हमें इतनी गहराई में जाना है। उसका रीज़न है कि 2024 के प्लस 25 के जो आपके बच्चे हैं जिनको प्रीलिम्स में बैठना है, इस चीज़ की गारंटी लेके हमें तैयारी करनी है PY की, उससे कि कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल अगर मिलता जुलता आ जाता है तो उसको हम गलत नहीं होने देंगे। ये हमें क्या करनी है, श्योरिटी लेके आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 1996 में पूछा गया है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। पहले सबसे पहले देखते हैं हमें कि ठीक गलत क्या पूछा है, करेक्ट पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंसीडर और यहाँ पे क्या दिया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के तहत ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्रोग्राम यहाँ पर इंक्लूड करता है। पहले हम देखेंगे, पहला ऑप्शन बोल रहा है एफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, तो ठीक है हो भी सकता है मे बी। दूसरे पे जाते हैं जो कि है रीफॉरेस्टेशन, यानी दोबारा से जो फॉरेस्ट है उनको दोबारा से लगाना होगा। रीप्लांटेशन कि दोबारा से जो फॉरेस्ट अंदर पेड़ पौधे चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको दोबारा से प्लांट कीजिए एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है जो अभी फॉरेस्ट है उन सब के अंदर ये करना है। थर्ड देखते हैं एनकरेजिंग द वुड सब्स्टिट्यूट, देखिए वुड के सब्स्टिट्यूट को बढ़ाना चाहिए, यानी वुड की जगह कोई ऐसा काम जो वुड से हो सकता है उसकी जगह अगर वो चीज़ बहुत ही हार्ड प्लास्टिक से हो सकती है, एलुमिनियम की किसी चीज़ से हो सकती है, तो उसको यहाँ पर हमें देखना चाहिए, प्लास्टिक तो नहीं होगा बट किसी और सब्स्टिट्यूट से जो अगर काम वुड के बिना चल सकता है, जैसे एनर्जी का भी तो चल सकता है ना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप घर में फ्यूल की तरह वुड को इस्तेमाल कर रहे हो, जला रहे हो, उससे क्या निकल रहा है कार्बन का इमिशन निकल रहा है, दो दो नुकसान, एक तो वैसे ही जब फॉरेस्ट कम हो रहे हैं ऊपर से क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। तो इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा किया जा सकता है कि जो वुड की जगह पे क्या यूज़ किया जाए, नेचुरल गैसेस से बनी हुई जो गैस है यहाँ पर उनका इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। तो नेचुरल गैसेस से यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, CNG वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसे कुछ चीज़ों का कर सकते हैं। फिर कहते हैं सप्लाई ऑफ अदर टाइप ऑफ फ्यूल, अदर टाइप ऑफ जो फ्यूल है उनकी तरफ से यहाँ पर सप्लाई की जानी चाहिए, ठीक है जी। फोर्थ हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। देखिए अब ये चीज़ नहीं हो सकती, अभी तक हमें जो भी पढ़ा थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ फॉरेस्ट की तरह दिखाई दे रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती है। पहली बात तो इंसेक्टिसाइड होता क्या है, यानी कि साइड जो आपको आया है इंसेक्ट को जो मार दे, अब ये कहाँ पे प्रमोट हो सकता है, अगर कोई करना भी चाहे तो ये प्रमोट हो सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, क्रॉप जो करना चाहते हैं, लेकिन क्या फॉरेस्ट के अंदर अगर आप इंसेक्ट्स को मार देंगे, जरा समझिए समझिए इस लॉजिक को। आपने इंसेक्ट हैं बहुत सारे, उनको फॉरेस्ट में कहा कि हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं, नेशनल पॉलिसी उसमें सभी को मार दो, खत्म कर दो। पेस्टिसाइड अगेन क्या होगा, क्रॉप के लिए चाहिए होता है, पेस्ट जो होते हैं, तो अगर आप इन्हीं को मार दोगे तो इनके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे एनिमल है ना जो डिपेंड करते हैं, छोटे छोटे ये उनका खाना है, फिर हमें समझ में आता है फिर इकोलॉजिकल चेन होती है, तो पेस्ट को इंसेक्ट्स को यहाँ पर कोई और इंसेक्ट खा रहा है, जैसे कि कोई और यहाँ पर खा रहा है छिपकली हम मान लेते हैं, उसके बाद उनको कोई और खा रहा है स्नेक खा रहा है, उसके बाद स्नेक को यहाँ पर जिंदा रखने के बाद स्नेक इसके बाद जिंदा इनको खा के स्नेक को खाने के बाद यहाँ पर कौन खा रहा है, होक खा रहा है, और इसको खा के यहाँ पर ऊपर मान हैं कि इस लाइन वगैरह को अगर ये मिल जाता है तो वो खा पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक फूड चैन, अगर हम इनको खत्म कर देंगे तो ये छिपकलियां तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनका तो फूड का जो सोर्स था वो खत्म हो गया, राइट। आपने क्या किया, आपने यहां पर इंसेक्ट्स को खत्म करके ये गारंटीड कर दिया है कि अब जो यहाँ पर इनको खाने वाले इंसेक्ट थे, चाहे वो कोई भी हो, मक्खी वगैरह हो सकती है इंसेक्ट्स के अंदर, मच्छर होते हैं, इनको खाना वाला भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से हमें क्या करना है कि ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता है,
तो ये हमें क्या लगता है कि ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 से पूछा है, आंसर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डी है यहाँ पर, क्योंकि चार नहीं है और चार तीनों ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी बचा कौन, आंसर डी बचा। लेकिन हमें कुछ और समझना पड़ेगा, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना होगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को। क्यों समझना होगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर ये अब आ सकता है सवाल तो ये फिर क्यों नहीं आ सकता, राइट? अगर अभी इसको पूछा जा सकता है तो इसका मतलब बाद में भी पूछा जाएगा। तो देखिए जो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 1988 के अंदर बनाई गई थी। इसका डायरेक्ट अगर हम बात करें कि इसकी पॉलिसी के फीचर क्या थे और एम क्या थे, इसमें प्रिंसिपल जो इसका एम था वो ये था कि पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या किया जा रहा था, पहली बार जो फॉरेस्ट का लैंड होगा और जितने भी कवर उसके अंदर ट्रीज जो आते हैं उनको पहली बार इंडिया में एक नेशनल एसेट की तरह यहाँ पर देखा जाने वाला था। यानी कि वो नेशन की प्रॉपर्टी है, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होने वाले, तो नेशनल एसेट की तरह उनको देखा जा रहा है। दूसरा, इसमें जो फॉरेस्ट लैंड होंगे उनको डाइवर्स किया जाएगा कोई ऐसे नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए जो मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन कर सकता है। यानी कि फॉरेस्ट लैंड पर अगर कोई काम कर रहा है, मान लीजिए आपको कोई माइनिंग करनी है, लेकिन इस माइनिंग से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे, तो अब क्या करना चाहिए, इसको डाइवर्स कर दिया जाएगा, कहीं और लैंड दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे मत करिए। अब ये बात 2018 की नहीं हो रही है, 1988 की हो रही है। तो इसी वजह से आप सोच के देखिए कि उस टाइम पर क्या चलता था और इसका इम्पैक्ट क्या लोगों पर पड़ने वाला था। फिर हमें समझ में आया कि देखिए एक गोल बनाया गया इसके अंदर, यहाँ पर एक गोल बनाया गया 1988 में, और वो गोल क्या था कि वन एक तिहाई जो लैंड होगा, टोटल एरिया जो है वो यहां पर फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। यानी कि हमारे इंडिया का जो वन थर्ड लैंड होगा वो कहां पे आना चाहिए, आपका फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, अंडर द फॉरेस्ट ट्रीज होने चाहिए उसमें। तो ये गोल बनाया गया था इसका। फिर हम देखते हैं कि इसमें नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने की बहुत सारी बातें हुई। इसमें बोला गया सोयल इरोजन पे आप लोग बात करिए, देखिए ऊपर भी आया हो ना कि सोयल को इरोजन जो होता है उसके ऊपर करना, येस उसको प्रिजर्व करना होगा। जो सोयल के अंदर कैचमेंट जो एरिया होते हैं, यानी कि जहाँ पे आपकी नदियाँ होती हैं और नदियों के जो आसपास का एरिया है, अब इस एरिया को भी आपको, ताकि ये खराब ना हो, कम ना हो जाए, डेनुडेशन ना हो जाए, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा बोला गया कि कैसे जो सैंड के ड्यून होते हैं डेजर्ट एरिया के अंदर और कोस्टल ट्रैक्स के जो होते हैं उनकी एक्सटेंशन को आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए अगर डेजर्ट बढ़ रहे हैं, कभी भी आप सोचिएगा अगर डेजर्ट बढ़ेगा, अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि मैम फॉरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर डेजर्ट क्यों आ गया, रेगिस्तान क्यों आ गया? क्योंकि डेजर्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फॉरेस्ट घट रहे हैं, यानी ग्रीनरी कम हो रही है। डेजर्ट तभी तो हो गया ना कि उसके अंदर कोई ग्रीन चीज़ें ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से इस बात पर नज़र रखो कि डेजर्ट कितने एरिया में और उसको बढ़ने मत दो। तो ये चीज़ें भी इस पॉलिसी के अंदर रखी गई थी। फिर कहते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह को बढ़ाना चाहिए, बहुत ही मैसिव लेवल पे फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, बहुत ही मैसिव लेवल पे पेड़ों को लगाना पड़ेगा और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जाएंगे। फिर यहाँ पर बात आती है कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। किस किस के बीच में होगा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होने वाला है, यानी कि मिलजुल कर काम करने वाला एक जो रिलेशनशिप होगा, वो होगा यहाँ पर ट्राइबल लोगों के बीच में, जो कि किस किस के बीच में होगा, ट्राइबल पीपल प्लस जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट जो है उनके साथ में। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए आप ट्राइबल पीपल को बिल्कुल निकाल दो, नहीं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसी, अभी मान लीजिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से फिर से सवाल आ जाता है, अब उन्होंने डाल दिया कि ये जो फॉरेस्ट है ये कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की बात करता है ट्राइबल पीपल के भी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी? क्योंकि बात कर रहा है वो, बिल्कुल करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ फॉरेस्ट की नहीं बल्कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, यानी पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, उनको रीजनरेट करने की बात करता है, उनको बोलता है कि वो भी यहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलपमेंट जो होते हैं फॉरेस्ट में उसमें अपनी भूमिका निभाएं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। फिर बात होती है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इनको मीट करने के लिए फ्यूल वगैरह जो चाहिए होता है, वुड चाहिए होता है, फोडर चाहिए होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, सोयल टिम्बर वगैरह। तो रूरल लोगों के और ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए कि हम लोग, आप लोगों को मान लीजिए गैस की तब तो नहीं होती थी, या कुछ और स्टेप्स यहाँ पर लिए गए कि हम लोग आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करके देगी, इनके बदले में अल्टरनेटिव देगी, आप यहाँ पर जाकर प्लीज़ पेड़ पौधों को ना काटें। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करवाने की बात कहेगी कि नेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पर फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, राइट। इसके बाद हमें पता चलता है कि और भी ज़्यादा जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, उसके लिए भी यहाँ पर बातें की गई हैं। स्टेप लेने की बात की है कि जो मैसिव पीपल मूवमेंट होना चाहिए, जैसे पहले भी बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट से लेके चिपको आंदोलन जैसे जो फॉरेस्ट से लेके, कि इतना प्यार करो पेड़ों को, पौधों को, ताकि जो प्रेशर हम डालते हैं एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट है हमारे उसके ऊपर वो प्रेशर कम हो जाए और पीपल लोग यहाँ पर जुड़े, उनके अंदर औरतें जो वुमन होंगी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा देखी जानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रेटर इम्पेथस डाला जाता है फॉरेस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर। देखिए फॉरेस्ट्री जो एजुकेशन और रिसर्च होगी उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ही लेवल पर बोला गया कि आप इस पर काम करिए। अब ये था 1988 का पूरा। देखिए अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ड्राफ्ट पॉलिसी क्या बात करती है जरा चलिए उसको भी देख लेते हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी 2018, तो ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पर आई है ये भी इसी फॉरेस्ट से लेकर है कि हम नया बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाई है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ड्राफ्ट पॉलिसी। तो करंट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राफ्ट में है तो भी ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से सवाल आए हैं। जरा देख लेते हैं इसके क्या क्या पॉइंट है। पहला क्या पॉइंट है इसका कि जो रिवर्स करना है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अभी तक बहुत सारे पेड़ या फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, डिग्रेडेशन को बिल्कुल रिवर्स कर देना है कि उसको बढ़ाना, अच्छा कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है NDCs जो हैं यहाँ पर फॉरेस्ट से रिलेटेड उनको अचीव करना होगा, राइट। और हम देखेंगे कि जो हेल्थ है फॉरेस्ट की, हेल्थ के ऊपर, फॉरेस्ट की वेजिटेशन के ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, फॉरेस्ट की मिट्टी में ताकि वाटर की सप्लाई वहाँ पर अच्छे से हो सके। ग्रीन अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है, इसमें बोला गया है कि कैसे एक इकोसिस्टम के वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में क्या काम कर रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन अकाउंटिंग की जाएगी। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, 2018 से हम सब लोग इस बात से बिल्कुल अवगत हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बार बार सवाल उठ रहा है कि कैसे जो इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का यहाँ पर प्रोग्राम बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज जो है, यहाँ पर CC मतलब क्लाइमेट चेंज, तो उसको मिटिगेट करने के लिए भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जो कि होगा इसी के अंदर, मिटिगेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्रेडिबल सर्टिफिकेशन प्रोसेस बनाया जाएगा ताकि जो वैल्यू है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की उनको सस्टेनेबली यहाँ पर हार्वेस्ट किया जा सके। तो क्या बनेगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, क्रेडिबल आपके होंगे, जो कि आपको कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो इसी वजह से क्रेडिटेबल होना चाहिए वो, राइट, सर्टिफिकेट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा REDD++ किया गया है कि एक जो क्लाइमेट चेंज जो होना चाहिए ना उसके लिए एक मैकेनिज्म लाया जाएगा। अब कौन सा मैकेनिज्म लाया जाएगा इसमें, REDD++ की बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है हम लोगों के लिए। और इसके अलावा एक नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री जिसका एनवायरमेंट मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे, और स्टेट बोर्ड बनाए जाएंगे फॉरेस्ट्री को जिनको स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो यहाँ पर हेड करेंगे, राइट। क्या होगा यहाँ पर, नेशनल लेवल का आपका एक नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री जिसको हेड कौन करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं आपके एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। और जब यही होगा स्टेट लेवल पर तो इसको हेड करेंगे स्टेट के
कौन होगा ये, SBFC, इसको करेंगे स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर। चलिए जी, अब हमें इतना समझ में आ गया है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और यहीं पे हमारा क्वेश्चन, अब अच्छे तरीके से हमने इसको प्रिपेयर कर लिया कि दोबारा अगर हमसे ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है विद बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एबिलिटी है एक लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीशीज़ की प्रसिस्ट करती हैं। देखिए कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम ग्रासलैंड की बात करते हैं। अब क्या ग्रासलैंड्स के अंदर बहुत सारे ग्रासेस नहीं होते हैं, क्या पेड़ नहीं होते हैं ग्रासलैंड में? पेड़ होते हैं, लेकिन ग्रासलैंड एक ऐसी स्पीशी हो गया है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर ग्रासलैंड्स का नाम पड़ गया है, राइट? तो इसी तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारी एक ऐसी स्पीशी होती है जो डोमिनेंट पार्ट वहां पे निभाती है, और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है। अब यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या वो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, क्या वो एलोपेट्रिक स्पीशीज होंगी, क्या वो सिंपैथेट्रिक स्पीशीज यहां पे होंगी, या थ्रेटन्ड होंगी। देखिए पहली बात तो थ्रेटेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अगर वो थ्रेटेंड है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कीस यहाँ पर बन जाए। कि देखिए अब ये क्या होगा ना, अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल बार बार आएगी कि जो एलोपेट्रिक, हम एक एक करके इसको समझते हैं, थ्रेटेंड नहीं होगी, हमें इतना समझ में आ गया कि अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट होती तो दूसरे के नाम से क्यों होती। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछता है कि ऐसा हो भी तो सकता है, शायद थ्रेटेंड हो भी, हो सकता है ऐसी कैटेगरी हो, तो हम इसको क्या रखेंगे, 50-50 की रेंज में इसको छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि क्या सबसे पहला इसका आंसर हो सकता है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज होता क्या है? देखिए कीस्टोन स्पीशीज जो होता है ना, वो बहुत ही क्रिशियल रोल यहां पर निभाता है, जो स्ट्रक्चर है इकोलॉजिक कम्युनिटी का उसको यहां पर बैलेंस करने के लिए, और इसी वजह से ये जो टोटल माइनस के अंदर कीस्टोन जो स्पीशीज होगी उसका जो बायोमास होगा टोटल, उसके अंदर ये काफी ज्यादा मिलेंगे, जैसे मैंने आपको ग्रासलैंड का एग्जांपल बताया। तो क्या इसका आंसर यही है? हाँ, इसका आंसर यही है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर 2-3 स्पीशीज का नाम लिया गया है तो हम इनको भी जरा अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, बिल्कुल अच्छे से इसको समझते हैं कीस्टोन स्पीशीज है क्या। तो कीस्टोन स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसके घट जाने से या फिर जिसके बढ़ जाने से एक जो इकोसिस्टम होगा उसमें बहुत बड़ा मेजर ऑकरेंस आ सकता है, खासकर किसी न किसी एक स्पीशीज़ में ज़रूर आ जाएगा। हमने यहाँ पर बातें की थी ना ऊपर कि कैसे आपका जो यहाँ पर हम देख पाएंगे, क्या क्या बातें कर रहे थे हम ऊपर कि कैसे अगर ग्रासलैंड या इंसेक्ट्स वगैरह अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा, कोई एक स्पीशीज़ यहाँ पर चली जाएगी, राइट? इसी वजह से उनको इंसेक्ट बोला जाता है। तो कीस्टोन स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि अलग स्पीशीज़ भी इकोसिस्टम में है, उनकी प्रेजेंस दिखाती है। तो सबसे पहले तो जितने भी टॉप प्रेडिक्टर्स यहाँ पर होंगे, हमें पता है ना कि टॉप के ऊपर जाकर कोई एक प्रेडिक्टर है यहाँ पर जो कि ह्यूमंस इट्सेल्फ इज़ अ, या फिर टाइगर की अगर हम बात करें तो टाइगर है, लायन यहाँ पर होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं। तो जितने भी टॉप के प्रेडिक्टर्स हैं ना यहाँ पर, वो की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ऑल टॉप प्रेडिक्टर्स। फिर कुछ की स्पीशीज ऐसी हैं जो एलिफेंट है, कोरल्स है, पोलिनेटर्स है, जो एक पौधे से लेके दूसरे पौधे पर लेके आते हैं। अब देखिए ऊपर वाला फिर से हम इसको रिलेट कर पाएंगे, अगर इंसेक्ट्स को यहां पर मार दिया जाएगा तो पोलिनेटर काम कैसे करेगा, फॉरेस्ट में इतने ज्यादा पौधे उगेंगे कैसे, फॉरेस्ट में तो कोई बीज डाल के नहीं आता है। वहां पर कोई इंसेक्ट एक फ्लावर पर बैठता है, उससे पोलन को लेता है, दूसरे फ्लावर पर बैठता है, उसमें ओवरीज में वो पोलन डाल देता है, इस तरीके से यहां पर रिप्रोडक्शन होता है दोबारा से। तो जो पोलिनेटर यहाँ पर होते हैं उस तरीके से वो काम करते हैं। तो इसी वजह से ऊपर वाला क्वेश्चन हम इजीली समझ सकते थे, उसको यहाँ पर बता सकते थे कि आंसर क्या हो सकता है। खैर ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें हमें समझ में आता है कि ठीक है कीस्टोन जो स्पीशीज़ होती है, अगर मान लीजिए ऊपर से लायन या टाइगर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके नीचे की जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, उनको मारने के लिए कोई है नहीं,
राइट right? तो इसी वजह से जो रेगुलेट करते कि स्पीशीज ऐसी हैं जो दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज जैसे एबोनिट्री है या फिर इंडिया का लोरेन, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स होते हैं बैट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ पर बैट्स यानी चमगादड़ जिनको बोला जाता है अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रीज हैं यहाँ पर जिसमें इंडिया का भी ट्री है, इंडिया का कौन सा ट्री है, इंडियन लॉरेल के नाम से, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बैट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि ठीक है ये ख़त्म हो गए यहाँ पर, तो अब क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, राइट तो ये भी सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी एक स्पीशी की वजह से जो किसी दूसरी स्पीशी पर डिपेंडेंट है वहाँ पे क्या होगी, वो एक कीस्टोन स्पीशीज़ की तरह हम उसको देख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई कीस्टोन स्पीशीज़ लॉस्ट हो जाती है तो उसके रिजल्ट में हमें पूरे इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऑल्दो ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट बन जाती है, लेकिन स्टिल हम देख सकते हैं कि होल इकोसिस्टम के अंदर डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, नहीं, कमी आएगी, डिग्रेडेशन हम उसको देख पाएंगे कि कोई चीज़ घट रही है, डिग्रेड कर रही है। इसी वजह से जो टॉप प्रेडिक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन किया जाता है जब कंजर्वेशन की बात आती है। आपने देखा है ना, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट चीता की या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन की, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। प्रोजेक्ट चीता 1976 में आता है, प्रोजेक्ट लाइन यहाँ पर गिर नेशनल पार्क के अंदर किया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी यहाँ पर चलाया गया, हाथी मेरे साथी जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, प्रोडक्शन यहाँ पर बनाई गई हैं। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इसी कारण से इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर बात की गई है दूसरा ऑप्शन जो कि गया है एलोपैट्रिक स्पीशीज़ के बारे में। देखिए अब एलोपैट्रिक स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ होती है ना कि इनको, ये कॉमन टाइप है स्पेकिशिएशन का। स्पेकिशिएशन क्या होता है, आप स्पेस के अंदर अलग अलग जा रहे हो। अब इसमें क्या होगा, एक स्पीशीज़ है मान लीजिए, अब उसके कुछ यहाँ पर बच्चे होते हैं, वो एक इस तरफ आ जाती है, दूसरी स्पीशी एक इस तरफ आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन इवोल्यूशन हो गया। तो ये जो बीच में हम बैरियर देख पा रहे हैं ना, ये जो फिजिकल बैरियर यहाँ पर दिख रहा है या ज्योग्राफिकल बैरियर यहाँ पर दिख रहा है, ये इस कैटेगरी से जाना जाता है कि दोनों स्पीशीज अलग है, इसी वजह से दोनों स्पीशीज अलग अलग यहाँ पर रह रही हैं। और अलग दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्पीशी ए स्पीशी बी, ठीक है, कोई भी एक चीज़ की स्पीशीज है और ये है स्पीशीज बी, ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया है दोनों के बीच में, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। क्यों करते हैं, देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब मान लीजिए क्लाइमेट है कि कुछ, ये जो स्पीशीज बी है इसको स्पीशी ए वाला जो क्लाइमेट है वहाँ पर इक्वेटर का है, कुछ भी कर लीजिए बारिश वगैरह कुछ भी, वो पसंद नहीं आता, तो इसीलिए वो अलग तरीके से अलग जगह पर रह रहा, बिल्कुल थोड़ा सा दूरी बना के रखा हुआ है। तो इसी वजह से यही चीज़ें बताई जाती हैं कि बहुत सारे कारणों की वजह से, या फिर हम टेक्टोनिक प्लेट्स हो जाती हैं, कोई ऐसा नेचुरल कंडीशनिंग होगी कि जिसकी वजह से जो स्पीशीज पहले इकट्ठी रहती थी वो स्पीशी एक दूसरे से दूर हो गई है। अब ये बहुत समय बीत गया तो अब ये एक दूसरे के पास जाना ही नहीं चाहते, चाहे ये फिजिकल बैरियर हम अगर हटा भी देंगे तो भी ये स्पीशीज एक दूसरे में नहीं घुलेंगी। तो इसी वजह से अब कुछ माउंटेन रेंज वगैरह हो जाती है कि मान लीजिए पानी की नदी है यहाँ पर बीच में, ठीक है, तो फिर से ये अलग अलग रह रहे। तो ये स्पीशी होती हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़ की, कुछ कारण की वजह से इनके बीच में क्या है, एक फिजिकल बैरियर आया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है सिम्पैट्रिक मोड ऑफ स्पेकुलेशन। देखिए क्या होता है कि जो सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जो नई स्पीशीज़ को फॉर्मेट करने में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं। जेनेटिक डाइवर्जेंस इनके अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनमें जेनेटिकली वो अलग अलग है, काफ़ी जेनेटिकली डाइवर्स है, और इसी वजह से ये जो स्पीशीज होती हैं वो एक सिंगल एरिया में, सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इनहेबिटेट करती है, वहीं पर रहती हैं, और यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्जेंस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसी वजह से जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होगा तो ये अपनी नीश के अंदर ही रहेंगी, ठीक है, नीश के अंदर रहेंगी। और इस प्रकार से क्योंकि ये यहाँ पर जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है, तो एक नए प्रकार की स्पीशीज़ यहाँ पर अलग से नहीं बनेंगी। और इस स्पीशीज़ के इन्वॉल्वमेंट के लिए, देखिए सिंपैथेट्रिक स्पीशीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो इसी के लिए से क्या करना चाहेंगे कि एक ही सिंगल जो इनका यहाँ पर हम एरिया देख पा रहे हैं उसी के अंदर ये इनहेबिटेट रहेंगे,
वहीं पर ये रहना शुरू कर देंगे कि ठीक है हम यहीं पे रहेंगे, और खुद को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे कि क्योंकि अभी हर बार जो क्या होगा, जेनेटिकली एक दूसरे के क्लोन ही बन के आएंगे, क्योंकि अगर जेनेटिकली आप अलग नहीं हो तो एक दूसरे जैसे ही हो, सेम आप लोगों का जो है वो दिखाई देगा, ये हमें समझ में आता है। और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ तो वो स्पीशीज़ होती है जो थ्रेटन्ड है, राइट, ये कौन करता है, IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल जो यहाँ पर कन्वेंशन है उसके अंदर एक रेड बुक होती है, और ये रेड बुक के अंदर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि कोई ऐसी है जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसका डाटा नहीं है, एक्सटेंट होने वाली है, थ्रेटन्ड है, नियर थ्रेटन्ड है, तो उसमें हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो थ्रेटन्ड होती हैं, खतरे में है, अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो शायद ख़त्म हो जाएंगी। तो सोचिए अगर कोई स्पीशीज़ ऐसे ख़त्म हो रही है तो वो कैसे आ सकती है। स्टिल यहाँ पर 50-50 का एक हमारे पास चांस था, आंसर हम ऊपर समझ चुके हैं कि कीस्टोन स्पीशीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, 2003 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट, या इन दोनों में से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इनडेंजर्ड स्पीशीज है, क्या दोनों ही पहले नंबर पे, तो क्या वन है, टू है, दोनों है, नीदर है। देखिए एलिफेंट यहां पे इनडेंजर्ड पूछा गया, अगेन जो इंडेंजर्ड का नाम है ये फिर से IUCN द्वारा डाटा दिया जाता है, रेड बुक के अंदर हमें समझ में आता है कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो यहां पे बहुत ही फैक्चुअल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर होगा क्रोकोडाइल, सिर्फ क्रोकोडाइल ही अभी ऐसी है जो यहां पर हमें इंडेंजर्ड दिखाई देती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा गया है, और 2005 में ही क्योंकि क्वाइटो प्रोटोकॉल उस टाइम पे न्यूज़ में था तो इसी कारणवश उसको पूछ भी लिया गया, लेकिन क्या इससे सवाल आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके बाद में भी इस पर सवाल आया तो हम देखेंगे अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें नीचे जाके देख लेना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो हमें समझ में आ गया करेक्ट पोजिशन हमें बतानी है। अब सवाल पर चलते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005 के अंदर वो फोर्स में आता है, ठीक है, ये हम देखेंगे क्या ऐसा हुआ था, देखते हैं। उसके बाद हम सेकंड में जाते हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरली विद द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, क्या ऐसा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए क्या इसका प्राइमरी फोकस यहां पर ओजोन जो खत्म हो रही है, घट रही है, उसके ऊपर है, देखते हैं। थर्ड हम देखते हैं मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम एक काम करते हैं ना कि इसको आंसर देने से पहले क्यों ना इसका आंसर आप खुद दें, वो कैसे होगा कि मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल ही समझा देती हूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली में था क्या। अगर हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो सबसे पहले हमें समझ में आएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक जगह के नाम पे पड़ा हुआ है। क्योटो कहाँ पर है, क्योटो एक ऐसी जगह है जो जापान के अंदर है, और उस टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था जापान के अंदर, ठीक है, क्योटो नाम के शहर में, इसी वजह से इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्या ऐसा कहीं और भी देखा गया, बहुत जगह, दिल्ली डिक्लेरेशन देख लीजिए आप, G20 में अभी 2023 के अंदर हमने जो लीडरशिप निभाई थी G20 की, उस टाइम पे उस डिक्लेरेशन को क्या बोला जाता है, दिल्ली डिक्लेरेशन। इसी तरीके से जापान के शहर में अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, 1997 को अडॉप्ट तो ये हो गया था, लेकिन इसको रेटिफाई किया गया था, ठीक है, इंडिया इसको रेटिफाई करता है क्योटो प्रोटोकॉल को एक टाइम में, और ये कब रेटिफाई करेगा, ये रेटिफाई कर देता है 2002 के अंदर, ठीक है, अभी तक इसकी यही हिस्ट्री है। उसके बाद हम देखते हैं क्या इसमें फिर से बदलाव आया, हाँ फिर से कुछ इसमें बदलाव आते हैं कि 2000 पहली बार जो ये फोर्स में आता, अडॉप्ट तो इसको कर लिया गया था, लेकिन फोर्स ये कब होता है, फोर्स में होता है 2005 के अंदर, तो ठीक है 2005 में फोर्स में होता है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कितने यहाँ पर मेंबर स्टेट हैं, तो हम देख पाएंगे कि क्योंकि UN के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर COP 23 यहाँ पर हो रहा था, अभी कौन सा कॉप हुआ है, COP 28 हुआ है दुबई के अंदर, तो क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का जो
यहाँ पर फंड है क्लाइमेट चेंज को लेकर UNFCCC में, उसके अंडर आता है। तो इसी वजह से सबसे पहले यहाँ पर जितने यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबर्स थे उतने ही मेंबर यहाँ पर थे। प्रेजेंटली अभी 192 है, 197 कभी होते थे। जैसे एक एग्जांपल है कि एक बार कनाडा जो है उसने यहाँ पर 2012 के अंदर क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था इस प्रोटोकॉल से, ठीक है, 2012 की वो बात है। तो ऐसे ही कुछ एक दो कंट्रियाँ थी जिन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन फाइनली जब ये बना था तो आज के टाइम पे यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर मेंबर कितने, 197, यहाँ पे कितने हैं, 192। तो कुछ ऐसे पांच जो कंट्री हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया था इसको। फिर हम चलते हैं, पहला हमें समझ में आ गया कि ये बना कैसे, अब हम चलते हैं कि क्या यूएसए इसका मेंबर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए ने कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया, तो इस वजह से यूएसए जो है वो भी इसकी मेंबर स्टेट नहीं है, ठीक है, मेंबर नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक और बातें पूछी गई थी कि प्राइमरली, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, पॉइंट जो दो हमारे पास है वो पूछ रहा है गोल के बारे में कि क्या ये डिप्लेशन पे बात कर रहा है सिर्फ ओजोन लेयर की। तो हम देखते हैं कि देखिए जो इसका गोल है ना, गोल यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना, और ग्लोबल वार्मिंग फाइट करना है किसके साथ, फाइट करना है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से ही यहाँ पर हो रहा था, तो फाइट करना है ग्लोबल वार्मिंग के साथ में। और ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कैसा होगा, जब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस और किस चीज़ में नुकसान करती है, ओजोन के अंदर नुकसान करती है, बिल्कुल ठीक बात है ये। फिर हम देखते हैं कि इससे जो लेवल होगा ना, और क्यों हो रहा है ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती क्यों है, एंथ्रोपोजोनिक इंटरफेरेंस की वजह से। हम जैसे जो लोग हैं वो इनके अंदर यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रखते हैं, और उसी के कारण से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका एक और एम है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को, जो डेवलप्ड वर्ल्ड होगा, 2012 तक का उसने एम लगाया था कि 1990s के लेवल से लेके 2012 तक वो 5% तक उसको कम कर देगा। कैसा हो पाया, हो पाया, क्योंकि ये जो हमें समझ में आया था ओजोन का बहुत ज़्यादा डिप्लिक्शन हो रहा है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरो गैसेज को एसीज और फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो थे उनके अंदर इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। और अब हम देखते हैं एक और बात कि क्या ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या ये लीगली बाइंडिंग है। तो हमें समझ में आता है कि ये ग्लोबल ट्रीटी है, ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है ये जो सभी जो इसकी मेंबर है, 192 देश, टोटल कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में, 205 के राउंड है, उन सभी को यहां पर लीगली बाउंड करता है कि जो यहां पर बोला जाएगा, जो एक बार इसके अंडर यहां पर पास हो चुका है वो क्या होगी, बाइंडिंग होगी, कि सभी को वो बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, चार आदमी मानेंगे, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल बाइंडिंग है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो बेस है, बेस क्या होता है किसी भी चीज़ को समझने का कि कोई चीज़ क्यों बनी हुई है, तो इसके बेस की बात करें तो इसका बेस एक ऐसा बेस है जो हमें बताता है कि ये कॉमन, सभी के लिए कॉमन है, यानी सारे के एक जैसे ही है, बट डिफ्रेंशिएटेड। देखिए ये आप एनवायरमेंट में जो ये टर्मिनोलॉजी क्या मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत बार आपको ये वर्डिंग यहाँ पर दिखाई देगी कॉमन, बट देखिए कॉमन यानी कि सभी के लिए है, डिफ्रेंशिएटेड कि अलग अलग मात्रा में करना है, कोई डेवलप्ड कंट्री है तो उसको ज़्यादा मात्रा में काम करना होगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा, पैसा ज़्यादा लगाना होगा। फिर अगर कोई ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग स्टेज में, जिसके पास अभी खुद की इकोनॉमी के लिए पैसा नहीं है, उसको थोड़ा कम पैसा लगाना, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग अलग है। अगर हम बात करें कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किन किन गैसों को यहाँ पर एमिशन करना चाहता है, इससे सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर इससे बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्योटो इमिशन के टारगेट कौन कौन सी गैसों को लेकर यहाँ पर है, ठीक है, टारगेट क्या है इमिशन का। तो हम देख पाएंगे कि पहली गैस कौन सी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ये बंद करना चाहता है, ठीक बात है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर मिथेन, CH4 जो होती है आपकी मिथेन गैस, ये भी यहाँ पर इसको हटाना चाहता है हमें, बल्कि ये भी पता चल चुका है कि मिथेन जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फोर्थ नंबर पर हम देख पाएंगे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को, SF6 यहाँ पर गैस है। उसके बाद जो SCHCFs होती हैं यानी कि ग्रुप ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद जो आपकी होती है यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्लोरोकार्बन, तो इन सभी को भी ये एमिशन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है। इसमें लास्ट ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या इसमें ऐसा बोला गया है, इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही बोला गया है कि मीथेन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब मैं आपको पूरा ये समझा चुकी हूँ, अब आंसर आप मुझे खुद बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या यहाँ पे दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल केम इन फोर्स इन ईयर 2005, क्या ऐसा हुआ है? देखिए फोर्स का हमने यहाँ पर देख लिया है कि हाँ 2005 में ही फोर्स में आया है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कहीं पे ओजोन के लेयर के डिप्लीशन से बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनाई गई है, देखिए आप यूपीएससी को यहाँ पर समझिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो रिलेटेड होती है ओजोन से। अब अगर किसी को याद होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर है तो उसको लगेगा कि शायद ये ओजोन के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि क्या इसमें ओजोन का कहीं पे भी पूरे के पूरे जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें ओजोन की बात कहीं पे भी की गई थी? नहीं की गई है। रेदर ये क्या कर रहा है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना चाहता है। ऑल्दो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो ओजोन के डिप्लेशन से भी रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली जो प्राइमरली सिर्फ उसी चीज़ से डील कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाता है इसको समझने के लिए, इसको गलत मान ले कि ये जो प्राइमरली वर्ड है ना ये यहां पर इसको गलत बना देता है। शायद अगर ये बोलता है कि also work for that तो हम इसको ठीक कर देते। फिर हम देखते हैं मीथेन, जी हाँ ये बिल्कुल सच बात है, ये ऐसा ही हुआ था। तो 1 and 3 की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है यहां पर, और उसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है 2008 के अंदर पूछा गया है, और पूछता है सवाल कि कैसे, एक हम देखेंगे कि सबसे पहले करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट को हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। फिर हम समझते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो बात कर रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में, कि क्लीन डेवलपमेंट एक मैकेनिज्म है जिसको CDM बोला जाता है, और वो यहां पर कार्बन क्रेडिट की बातें करता है। ये वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म के अंदर आता है। फिर से क्योटो के ऊपर सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर साइट्स, ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यहां पर आती है, इसीलिए हम इनको अच्छे से याद करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पूछा गया है CDM, अगेन CDM क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ओनली NX1 की कंट्रीज को यहाँ पर डील करता है, हैंडल करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा है क्या। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि CDM क्या है, आंसर कौन देगा, आंसर आप लोग ही यहाँ पर देंगे। हम सिर्फ समझते हैं CDM क्या है। CDM जो है वो बिल्कुल एक जो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया गया है इसका क्या है, आईपीसीसी क्या है यहाँ पर, CDM का एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 2007 में इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है, अभी भी होती है, यस एनुअली बाय एनुअली ये लोग अपनी रिपोर्ट निकालते हैं जहाँ पर अलग अलग देशों की कंट्रीज, जैसे हमारे देश के साइंटिस्ट, यूरोप के साइंटिस्ट, यूरोप में भी किसी पर्टिकुलर जर्मनी के कंट्री के साइंटिस्ट, ब्राज़ील, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आगे कुछ रिसर्च करते हैं, फिर उस रिसर्च को ये पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। तो 2007 में आईपीसीसी के अंदर ही आता है, यस। प्लस क्या ये क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यस ये वहीं का है। 2005 में फोर्स में आने के बाद 2007 में इसको लेके आया जाता है, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, राइट। और इसका यहाँ पर टारगेट क्या है कि ये जो भी ऐसे सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट हैं उनके रिडक्शन प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो क्या किया जा रहा है कि इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि आपने कोई सर्टिफिकेट लिया, आपने कोई काम किया, अब आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे को, क्योंकि जो बेनिफिट यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट से आपको मिलेंगे वो किसी और को भी मिलेंगे, आप ज़्यादा अच्छे से उसमें काम कर सकते हो। फिर हमें समझ में आता है कि CDM एक आर्टिकल 12 जो है प्रोटोकॉल का, उसके अंदर हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है।
क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पर सीडीएम की डेफिनेशन मिलती है, राइट? डेफिनेशन ऑफ सीडीएम कहाँ पे मिलेगी? क्योटो के अंदर. और कहाँ पे मिलेगी? आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन मिलेगी, जो दो ऑब्जेक्टिव्स की बात करती है. क्या क्या है वो दो ऑब्जेक्टिव्स, जरा उनके ऊपर हम नज़र मार लें. तो दो ऑब्जेक्टिव वो ऐसे हैं, सबसे पहला कि कोई भी पार्टी जो एनेक्स वन के अंदर यहाँ पर पार्टीज है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जो अल्टीमेट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, ताकि जो प्रिवेंट किया जा सके क्लाइमेट चेंज को. दूसरी बात है कि एसेट करना होगा एनेक्स वन की कंट्रीज को कि वो अपनी जो कॉम्प्लायंस है, ताकि वो एमिशन लिमिटेशन के ऊपर यहाँ पर काम कर सके, कमिटमेंट कर सके, उनको कैसे वो कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या है, एनेक्स वन की कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एनेक्सेटर यहाँ पर वन जो है उसको क्या करना है, एसेट करेंगे, बताएंगे कि आप अपना क्या कर सकते हो, ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन के जो टारगेट हैं उनको कैसे आप प्राप्त कर सकते हो. ठीक है, तो ये यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि सीडीएम जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल करता है ओनली. अब यहाँ पर ओनली एक ऐसा शब्द है जिससे देखकर ये समझ में आ सकता है कि शायद ये गलत बात कर रहे हैं. लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में देखिए कि दोनों जगह यहाँ पर क्या मिल रहा है, एनएक्स वन की कंट्रीज ही मिल रही हैं. तो एनएक्स वन की कोई एसेट कर रहा है, एनएक्स वन की जो कंट्रीज है उन्हीं को बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर उनको ना लिया जाए, ताकि एसडीडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं उनके ऊपर ये मना किया गया है. तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या ठीक है, यस, ऑप्शन क्या होगा, बी. दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा. फिर देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अगर और समझे तो ऐसा समझ में आता है कि सीडीएम एक ऐसी चीज़ है ना जो एक कंट्री को एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट के अंदर रखता है, कि जो भी आप एमिट कर रहे हो गैस को आप बाहर निकाल रहे हो. अब उसकी कमिटमेंट क्या होगी, यहाँ पे सीडीएम क्या करता है, इमिशन जो भी कंट्रीज यहाँ पर एमिट कर रही हैं गैस वगैरह को कुछ भी करके, मान लीजिए फ्यूल ही जला रहे हैं वहाँ पे, अब उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है ना, डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो एनएक्स बी पार्टीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया वगैरह हैं, तो इनको ये एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट के अंदर दिलवाता है कि देखिए कमिटमेंट कीजिए, आप ही लोग ऐसे हो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एमिशन है वो कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो सिर्फ आप लोगों पर नहीं होगा, रेदर ये जो इंपैक्ट होने वाला है ये कहां पर होने वाला है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड पे होने वाला है. फिर ऐसा ही जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मान लीजिए कुछ इमिशन कम किया है, मान लीजिए कोई स्टील इंडस्ट्री थी, वो पहले बहुत ज्यादा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती थी, कोयला जलाती थी, पानी का यूज करती थी, लेकिन उन्होंने उसको कम किया, टेक्नोलॉजी को थोड़ा अलग तरीके से बदला. तो अब अगर वो ऐसा करते हैं तो यहां पर जो भी इस कमिटमेंट को पूरा कर लेता है उनको मिलते हैं क्या, उनको मिलते हैं जो सर्टिफिकेट होते हैं इमिशन के क्रेडिट. ठीक है, ये जो सर्टिफाइड इमिशन रिड्यूशन क्रेडिट जो होंगे वो यहाँ पर इनको दिए जाते हैं, और ये क्रेडिट की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है, और उनके जो क्योटो टारगेट्स हैं उनके अंदर भी इनकी काउंटिंग की जाती है. ठीक है, और एक जो क्रेडिट होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा, इक्विवेलेंट होगा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर. तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज को यहाँ पर रिड्यूस करने की बातें की गई हैं, लेकिन मेनली देखिए कि आपको जो क्रेडिट मिलते हैं वो मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कम करने के ऊपर. अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये बात है कि जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा एमिट करती हैं, और इसी वजह से उनके जो कार्बन क्रेडिट होते हैं वो कम होते हैं. लेकिन जब जो अगर मान लीजिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती हैं वो किसी डेवलपिंग कंट्री से, या जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है उनको, और उनके बोल सकती हैं कि आप आपके जो क्लीन एनर्जी के जो क्रेडिट है, कार्बन के क्रेडिट है, उन्हें हमें वापस दे दीजिए. तो ये भी यहाँ पर ये इस चीज़ को वायलेट नहीं करेगा, ये भी यहाँ पर अलाउड किया गया है कि ठीक है कोई अगर ऐसा कंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है. फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे अगर
मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जिसका क्योटो कोटा 100 कार्बन क्रेडिट का था, और इसका मतलब उन्होंने क्या किया है कि वो 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ सकती है, लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने गलती से 110 टन यहाँ पर कार्बन को इंक्रीज कर दिया है। अब जो 10 कार्बन के क्रेडिट वो जो लॉस हो गए हैं ना, वो वहाँ पर किसी को पेनल्टी लगाने से बचने के लिए किसी दूसरी कंट्री से खरीद सकती है। तो इस तरीके से जो इन्वेस्ट होगी मनी जो होगी वो किसी डेवलपिंग कंट्री के पास चली जाएगी, और इनका भी फायदा हो जाएगा और दूसरों का भी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+10 हेल्ड, कहाँ हुआ है? देखिए बहुत ही एक नॉर्मल सा सवाल आया, पूछा जा रहा था 2008 में हुआ कहाँ था। सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका वो क्या होगा, जो जोहान्सबर्ग के अंदर होता है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये सवाल आ सकता है तो और भी कुछ आ सकता है। तो ये जो वर्ल्ड समिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसको कौन हेल्ड करवाता है? ये हेल्ड करवाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सबसे पहले कब शुरू हुआ था? यूनाइटेड नेशंस का तो यहाँ पर UNCED है। किसकी बातें कर रहे हैं हम? UNCED, वो इसको शुरुआत करवाते हैं। और सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग है वो होती है यहाँ पर 1992 में। 1992 के अंदर रियो का जो अर्थ समिट है, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। और ये जो अर्थ समिट है, ये यहाँ पर कुछ एजेंडाज प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या वो एजेंडा थे? वो एजेंडा थे कि कैसे एनवायरमेंट को यहाँ पर बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लीगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, जस्ट एक एडवाइजरी फॉर्म है। UNCED इसको करवाती है, यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस है एनवायरमेंट डेवलपमेंट के ऊपर। और ये जो एजेंडा 21 है, ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि कैसे हम सस्टेनेबली जो डेवलपमेंट हमारे गोल है उनको कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो SDGs के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और जो कौन कौन से यहाँ पर SDGs होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि एक बार यह सवाल आ चुका है तो Rio+10 के बारे में अब नहीं पूछा जाएगा। क्या Rio+20 के बारे में पूछा जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2012 के अंदर ये हुआ था, लेकिन हो सकता है ऐसा पूछा जा चुका हो। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंस ये है कि रियो में पूछने को है क्या। सबसे पहले तो रियो वर्ल्ड अर्थ समिट के नाम से जाना जाएगा, उसके बारे में रियो का जो एजेंडा है 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इससे भी जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है कि अभी क्या हो रहा है, वो हो रहा है अभी हम देख पाएंगे कि 2012 के अंदर ही यहाँ पर 2015 से लेके 2030 तक के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है SDGs जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर प्राप्त करने का। और इसके अंदर हम ये देख पाएंगे कि कैसे ये जो एजेंडा है वो क्या, किस चीज़ पे बातें कर रहा है। एजेंडा बात कर रहा है यहाँ पर एजेंडा 30 का। तो ये एजेंडा 30 क्या आ गया है? 21 हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, ये लाया गया था 2012 में सस्टेनेबल गोल्स को यहाँ पर रिकवर करने के लिए। लेकिन एजेंडा 30 जो है उसको लाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही, जो फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही यहाँ पर ध्यान में रखता है, जिसमें पॉवर्टी वगैरह को ख़त्म कर देना है हर फॉर्म से, रियलाइज़ करना है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जो जेंडर इक्वालिटी है, उन सारी चीजों को 2030 तक अचीव कर लेना है। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो 17 ग्लोबल गोल्स का एक तरीके से कलेक्शन है। इसमें 17 गोल्स होते हैं। क्या आप लोगों को 17 के 17 याद होने चाहिए? जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 5-7 जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको आप इथिक्स के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो, उनको आप SA में इस्तेमाल कर सकते हो, GS के हर पेपर में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ भाग आपको याद रहे। और इनके 169 टारगेट हैं टोटल। कितने टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के? चलिए मैं इसको नोट्स के रूप में ही यहीं पे लिख देती हूँ, सो दैट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट के बारे में, और हमें ये बात समझ में आ जाती है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 हैं टोटल। टोटल 17 कलेक्टिव गोल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, और इनके 169 यहाँ पर टारगेट हैं। तो इनके अंदर 169 टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि किसने यहाँ पर निर्धारित किए हैं,
ये निर्धारित किए गए हैं यहाँ पर यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा, तो यूएनजीए के द्वारा इसको बनाया गया, ये जो 17 टारगेट्स हैं, और इसी में ये जो पास किया गया है असेंबली के द्वारा, उसी में यूएनजीए रेजोल्यूशन 2030, ये आपका एजेंडा 30 के नाम से जाना भी जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के बारे में, तो हमें समझ में आता है कि 1 का सबसे बड़ा टारगेट है, यानी आज का जो सबसे बड़ा टारगेट हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि SDG 1 बात कर रहा है कि पॉवर्टी को उसकी हर फॉर्म से ख़त्म कर दो। फिर हम देखेंगे कि गरीबी हटाने के बाद क्या होगा, कि भूख नहीं होनी चाहिए, नो हंगर। तो SDG जो है गोल नंबर 2, वो बात कर रहा है कि भूख नहीं होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। थर्ड बात कर रहा है कि गुड हेल्थ हो। अब ये हर जो है गोल है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर गरीबी ख़त्म हो जाएगी, खाना न्यूट्रिशन ठीक मिलेगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छे से होगी, तो गुड हेल्थ होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कि जब आपको पेट भर गया, तो अब आपको क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, तो एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ यहाँ पर कि एजुकेशन मिल गई, अब समाज को बेहतर बनाओ। तो समाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इक्वेलिटी लाकर। और ये इक्वेलिटी किस फॉर्म में होनी चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी भी होनी चाहिए, कि यहाँ पर औरत मर्द ये सब कुछ अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर ये सारे काम हो गए हैं, तो अब हमें ध्यान देना चाहिए क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन के ऊपर भी, पानी साफ हो और जो सैनिटाइजेशन होता है, साफ़ सफाई हो हमारे आसपास, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जब पानी क्लियर हो चुका है, तो अब हमें पानी से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो हाँ, अब एनर्जी भी हम कोशिश करें कि क्लीन बनाएं, रिसोर्सेज को, फ्यूल वगैरह को यहाँ पर ज़्यादा ना जलाएं, और उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। यहाँ पर हाइड्रो जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी जिसको आप बार 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 बना सकते हो, तो उसका इस्तेमाल करना होगा। फिर अच्छी जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लाएं 8वें नंबर पर। 9th नंबर पे यहाँ पे इनोवेशन की बात की जाती है। 10th नंबर पे हम देखेंगे कि जो SDG 10 है, वो कह रहा है कि इनइक्वालिटीज को घटाना है, कि जो आप देख पा रहे हैं समाज के अंदर यहाँ पर बराबरी नहीं होती है, तो उस जो अबराबरी है उसको यहाँ पर कम करो, इनइक्वालिटी को कम करो, और सस्टेनेबल सिटीज वगैरह बनानी चाहिए। लास्ट में हम देखिए एक यहाँ पर SDG जो 13 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बात कर रहा है कि जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, उसका यहाँ पर संरक्षण करना है। फिर हम देख पाएंगे कि जो नंबर 17 है, वो कह रहा है कि जितने भी ये गोल्स हैं, उन सभी के लिए, सभी के वर्ल्ड में यहाँ पर पार्टनरशिप लाने की बहुत ज़रूरत है, तो ये भी एक इसका गोल का ही भाग यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन बात कर रहा है सोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट, कि करेक्ट बताना है आपको कि इनमें से ठीक क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन बात कर रहा है यहाँ पर कि सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, वो क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे पाए जाते हैं, क्या ऐसा ये ठीक बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे जो स्टेटमेंट है अभी तक यहाँ पर ठीक लग रही है। नेक्स्ट हम चलेंगे श्रू के ऊपर। श्रू एक तरीके का एनिमल है, ऐसे ही टापिर, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं मालाबार के रीजन के अंदर, क्या ये ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा इन्होंने एक ट्रिक खेल दिया है। देखिए, जो इंडिया के अंदर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है ना, वो बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ही पाए जाते हैं। अब इनके बारे में कुछ और अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स होंगे इनके। सबसे पहला यहाँ पर फीचर होगा कि ये ऐसे हैं जो 6 से 7 मीटर लंबे हो सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं आपके श्रीलंका से लेकर, श्रीलंका टू पेपुआ न्यू गुनिया। पेपुआ न्यू गुनिया कहाँ पर है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया जो है आप उसके ऊपर पेपुआ न्यू गुनिया को देख पाएंगे, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास भी हम इनको देख पाएंगे, और सोलोमान जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी हम इनको देख पाएंगे। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, पहली हमें क्या लगती है ठीक है, दूसरी क्यों गलत है, रीज़न क्या है। रीज़न इस वजह से है कि जो सरयू है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी, वो एक्चुअली में वेस्टर्न घाट में नहीं मिलता है, रेदर बल्कि इसका तो नाम ही यहाँ पर होता है अंडमानीज, यानी कि अंडमान में होता है ये, और वाइट टूथ श्रू इसको बोला जाता है, कि इसके जो दांत भी होते हैं वो वाइट होते हैं, तो वाइट टूथ होता है, तो इसी वजह से ये कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलेंगे, रेदर ये कहाँ मिलेंगे,
अंडमान के अंदर मिलेंगे, और ज़्यादातर ये एंडेमिक है साउथ अंडमान के, तो साउथ जो अंडमान है उसमें ज़्यादातर ये मिलते हैं। ये नॉक्टोरल होते हैं, यूजुअली हम देख पाएंगे कि जो श्रू और टैपिर्स होंगे नॉक्टोरल होंगे। नॉक्टोरल का क्या मतलब होता है, यानी कि वो एनिमल जो यहाँ पर रात को ज़्यादा जागता है, ठीक है। तो रात को ये लोग बाहर निकलते हैं, अपना जो भी इनको खाना वाना जो भी करना होता है वो रात को ही करते हैं। हैबिटेट की बात करें तो देखिए अभी इनका जो खतरा है वो काफ़ी बड़ा ये है कि इनका हैबिटेट यहाँ पर लॉस कर रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसके कारण क्या क्या है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कारणों की वजह से सुनामी आ जाती है यहाँ पर, वेदर चेंज बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो इन्हीं सारी वजह से ये ऐसा देखने को मिला है। फिर हम कुछ और बात करें तो IUCN के अंदर क्या स्टेटस है, तो IUCN के अंदर इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनको माना गया है। कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने एक डिस्कवरी भी की है वाइट टूथ श्रू की, जो भी नारोकोडम आइलैंड में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर। तो ये इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए ओनली, वन ओनली यहाँ पर बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बात कर रहा है कि कार्बन क्रेडिट ओरिजिनल। देखिए फिर से कार्बन क्रेडिट यहाँ पर आ गया, हम पहले ही अभी तक हमने सिर्फ 8 सवाल किए हैं और लगातार हर साल हम देख पा रहे हैं कि कैसे 3 से 4 बार कार्बन क्रेडिट आ चुका है। तो कह रहे हैं कि किस में से निकला है, अभी क्योंकि हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है पहला अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ समिट पे अभी हमने बात किया, रियो दी जेनेरियो में किस चीज़ की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ज़्यादा ऊपर बात की जा रही है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके ज़्यादा एनवायरनमेंट पे बात करें, लेकिन कार्बन के ऊपर तो उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है या बातें ऐसी बोली ही नहीं है। और ऊपर से ये जो कार्बन क्रेडिट है वो बाइंडिंग होता है कंट्री में, ये तो बाइंडिंग नहीं है। अर्थ जो समिट से कुछ भी आएगा कब होता है, ये 1992 के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यस ऑब्वियसली हमें पता है इसलिए हम इसको ठीक कर देते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है उसने सबसे पहले कार्बन एमिशिंग ट्रेडिंग का यहाँ पर एक कंसेप्ट को पैदा किया, और जो कार्बन क्रेडिट होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म यहाँ पर काम करते हैं। हम उनको अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे एक कंट्री, डेवलप कंट्रीज जो है वो खरीद सकती है उनको कार्बन क्रेडिट्स को, अगर उनको उनकी इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट के प्रति रहना है। तो इसको दिया किस में गया है, NX1 के अंदर यहाँ पर रखा गया है। फिर हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नहीं, G8 समिट नहीं। चलिए अब यहाँ पर G8 की बात की गई तो G7+ रशिया यहाँ पर बन जाता है। G8 क्या होता है, ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, तो ये हमें समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते, सॉरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है 2010 में सवाल पूछा गया था। कह रहा है ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कुछ रीजंस हैं इंडिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग में हो सकता है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, ऐसे क्या क्या कारण हैं जो इसके लिए कारक हो सकते हैं, इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। करेक्ट पूछ रहा है हमसे, हम देखेंगे कि ऐसा क्या रीजंस होते हैं कि राइस को जब कल्टीवेट किया जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब इसको समझाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि राइस जो होता है, राइस कल्टीवेशन से हमेशा मिथेन गैस निकलती है, और वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, जिसने बताया कि मिथेन जो है वो ज़्यादा डेंजरस है CO2 से, राइट। तो उसका जो लेवल है ग्रीन हाउस का ये ज़्यादा है, तो ये जो ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस में हम देख पाएंगे उसमें मिथेन काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा रही है, और ज़्यादा मिथेन निकलेगी। मिथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, एनिमल से निकलती है मिथेन, इवन ह्यूमन बॉडी से भी मिथेन बाहर निकल जाते हैं, राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन, इनसे मिथेन बाहर निकलती है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है मिथेन के अंदर वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करके बढ़ाएगी उसको। इसके अलावा हम देखते हैं कि सवाल यहाँ पर पूछा क्या गया है, सवाल में ऑप्शन है कि जो एनाओरबिक कंडीशंस होती हैं राइस कल्टीवेशन से, एनाओरबिक क्या होगी, जहाँ पे मतलब बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसके कारण से जो मिथेन है वो ज़्यादा निकलेगी। देखिए मिथेन को निकलने के लिए ना यहाँ पर कुछ काम चाहिए होता है, मिथेन को निकलने के लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा वेट एनवायरमेंट चाहिए, जहाँ पर भी कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें आप
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, उसमें से मीथेन जो है वो बाहर निकल सकती है, ट्रैप आउट जो हुई हुई थी ज़मीन के अंदर या सोइल के अंदर, वो तभी के तभी बाहर निकल जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है ना, तो नाइट्रोस ऑक्साइड इमिट करता है कल्टिवेटेड सोयल से। तो ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन के अगर आप साइकिल को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि कैसे नाइट्रोजन के साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया बनता है, राइट। अमोनिया क्या होगा यहाँ पर, अमोनिया जो बनाया जाता है वो होता है CH4। अब इसी को फिर से नाइट्रियस जो यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, कोई एनारोबिक कंडीशन में करता है, कोई यहाँ पर एरोबिक कंडीशन में करता है, वो इसको फिक्स करके NH3 बना देते हैं। अब इसी को ऑक्सीजन से, एक जो ऑक्सीफाइंड यहाँ पर बैक्टीरिया है जो कि खासकर लुगेस वगैरह में पाया जाता है, वो इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे जो मिथेन है, जो कि मिथेन होती क्या है, NH3, राइट। तो ये जो मिथेन यहाँ पर है ना, ये अलग हो जाती है। अब ये देख पा रहे हैं अमोनिया सर इसको, तो ये भी यहाँ पर जब कल्टीवेशन होगी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा, नाइट्रोजन अगर जाएगी तो वो सोयल के अंदर बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीडाइज करके कल्टीवेटेड सोयल के अंदर मिथेन को थोड़ा सा रिलीज करेगा। और इसके अलावा ये फिर बाहर क्या जाके निकलेगा, जो कल्टीवेटेड सोयल से नाइट्रोस ऑक्साइड जो है यहाँ पर वो बाहर निकल जाएगी, और ये भी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस ही होती है। तो हमें समझ में यहाँ पर आ गया है कि दोनों ही की दोनों गैसें, जो नाइट्रस ऑक्साइड है और मेथेन है, दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो राइस फील्ड से बाहर निकलती हैं। और इनको कम अगर कर दिया जाए तो मिथेन जो है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इनको ज़्यादा प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनको कम करें तो एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशरी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक फॉलोइंग पेयर्स का बात किया गया है। देखिए अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको इसी तरीके से देखना है। ऑलरेडी हम सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को ऊपर पढ़ चुके हैं, देखिए दूसरी बार ये आ चुका है, इसीलिए इनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ये कहाँ मिलता है, अंडमान के अंदर मिलता है इंडिया में, और श्रीलंका से लेके न्यू जो नदन ऑस्ट्रेलिया उस बेल्ट तक ये पाया जाता है। तो क्या ये ओडिशा में मिलेगा, तो हमें समझ में आएगा कि उड़ीसा के अंदर क्या ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हमें मिल सकता है, तो हम देखते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे हम जाते हैं जो कि बात कर रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क की। राजस्थान से कह रहे हैं कि क्या इसके अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल पाया जाता है। राजस्थान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं कहूँ स्टेट एनिमल है राजस्थान का, और इसी वजह से पाया जाता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। भितेरकानिका उड़ीसा के अंदर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। और थर्ड हम देखेंगे कि क्या जो एरिवंकुलम नेशनल पार्क है वो यहाँ पर आपकी हुलक गिबोन वहाँ पर पाई जाती है, तो ये बात सच नहीं है। क्यों सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुलक गिबोन की बजाय आपको क्या मिलेंगे, इस एरिया के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पर नीलगिरी ताहिर, यानी कि जो वाइल्ड गोट होती है, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी के पहाड़ हैं, तो इसी वजह से जो वाइल्ड गोट है वो यहाँ पर मिलती है। अब मैंने आप लोगों को कन्फ्यूज़ इस वजह से किया फर्स्ट पार्ट में, ताकि आप लोगों के पास अगर बार बार ये सवाल आता है इससे रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ओडिशा का इसी वजह से रखा गया है ताकि ब्रीड कर सके इसमें, ठीक है, जो सोल्स वाटर है उसको प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उसकी ब्रीडिंग करवाई जा सके और उसका प्रजर्वेशन यहाँ पर हो सके, उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, संरक्षण हो सके। तो इसी कारणों की वजह से इसको यहाँ पर रखा जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि बात कर रहा है यहाँ पर सबसे पहले करेक्ट पूछा गया है, 2010 का सवाल है, कहता है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो लोकेटेड होते हैं ना, वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, क्या इसमें आपको कोई सच्चाई दिखाई दे रही है। तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी जो ये हम बातें कर रहे हैं हॉटस्पॉट की, वो एक्चुअली में क्या है। तो बायोडायवर्सिटी एक ऐसा एरिया होता है, देखिए कभी भी आप हॉटस्पॉट की बात करेंगे ना, तो बहुत जगह में आता है, ज्योग्राफी के अंदर भी ये टर्म्स होती है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। यानी कि बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है, कि डायवर्सिटी ज़्यादा, विभिन्नताएँ ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा स्पीशीज, ज़्यादा एनिमल्स, ये सब देखने को मिलेंगे। और हॉटस्पॉट का मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें
चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं, तो हॉटस्पॉट है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। तो अब हम देख पाएंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं ना, वो बहुत ही हाई स्पीशीज रिचनेस रखते हैं और उनके अंदर एक हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म दिखाई देता है। तो ब्रिटिश के एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन मायंस, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसकी टर्म को कॉइन किया था। तो किसने किया था यहाँ पर? नॉर्मन मेयर्स। तो हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई सवाल आए, तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना चाहिए इन्होंने इसको बनाया था। और कब बनाते हैं ये? ये इसको बनाते हैं 1988 के अंदर। और ये कहते हैं कि देखिए, इस वर्ल्ड के अंदर ना एक बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल रीजन होता है जिसको एक्सपेक्शन लेवल से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके अंदर प्लांट्स का जो एंडेमिनिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स ज़्यादा है, और हैबिटेट लॉस होने के सीरियस लेवल हो सकते हैं, तो उसको कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी कारण से इनको बनाया गया। फिर यहाँ पर जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है CI, वो सबसे पहले मेयर्स के हॉटस्पॉट को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं 1996 के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन बनाती है कि वो एक असेसमेंट करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे कि किस किस एरिया में यहाँ पर हॉटस्पॉट देखे जा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, और उनका जो डिसीजन होगा कि कैसे जो हॉटस्पॉट बनेगा वो किन किन क्राइटेरियाज़ की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बनना चाहिए। तो हम देख पाएंगे कि देखिए, सबसे पहले दो क्राइटेरिया रखे गए हैं बायोस्पोर्ट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई हॉटस्पॉट को बनाने के लिए। और कौन बनाता है इनको? CI बनाता है। दो क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट। पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि इसके अंदर कम से कम, मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1500 स्पीशीज होनी चाहिए यहाँ पर वस्कुलर पॉइंट्स की, यानी कि जिनके अंदर वेसल्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जो कि लेस देन वर्ल्ड का 0.5% होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्ल्ड के टोटल का बहुत कम, एंडेमिक होना चाहिए, इसी जगह पर बना होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर है कि इसने खुद का 70% जो हैबिटेट है उसको लॉस कर दिया हो, कि एक तो इसके अंदर डाइवर्सिटी हो, दूसरी बात इस पर खतरा भी हो, 70% जो हैबिटेट है वो ऑलरेडी लॉस हो चुका हो। ये दो क्राइटेरिया प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी वजह से इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर जो ये बायोडाइवर्सिटी कोई भी रीजन जो है उसको एज अ हॉटस्पॉट का यहाँ पर नाम मिलता है। तो ये है क्राइटेरिया, किस चीज के क्राइटेरिया है? किसी भी चीज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए, उसको बोलने के लिए। तो पहला हम समझेंगे इस चीज को। उसके बाद यहां पर क्या होता है कि 1999 में CI ने लगभग 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को ढूंढ लिया, और जिनको उनकी एक किताब आती है हॉटस्पॉट के नाम से, उसके अंदर ये उसको बोलते हैं। तो अर्थ के जो बायोलॉजिकली रिचेस्ट और मोस्ट इंडेंजर्ड टेरिस्टेरियल इको रीजन्स होंगे, उसका इन्होंने अपनी किताब को नाम दिया। फिर हम देखते हैं कि देखिए, ये जो होते हैं ना बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये हाफ ऑफ द प्लांट, जितनी भी यहाँ पर प्लांट की पॉपुलेशन है, स्पीशीज एंडमिक होते हैं। एंडमिक क्या होते हैं? वहीं के, कि एक जगह है वहीं से वो बिलोंग करते हैं। तो उसके अंदर लगभग 43% यहाँ पर, जो 50% हमने देखा प्लांट्स को यहाँ पर मिलते हैं, 43% हम बर्ड्स मैमल्स को यहाँ पर देख पाएंगे, रेप्टाइल मिलेंगे, एम्फीबियल बनेंगे। बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। मैमल्स यानी कि जो एनिमल्स के हमारे फॉर्म में दिखाई देते हैं, रेप्टाइल यानी कि जो रेंगने वाले हैं, और एम्फीबियन यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक वगैरह हो गया या सांप वगैरह भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो हम अगर आज बात करें कि इसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, तो पहली स्टेटमेंट के बारे में हमें सब कुछ समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसी वजह से जो लास्ट चीज़ है यहाँ पर वो हमें समझ में आता है कि क्या वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजंस की तरफ बात करें। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इतना सब पढ़ाने के बाद कहीं पर भी ट्रॉपिकल रीजंस का कोई डिस्कशन यहाँ पर सुनाई दिया, नहीं सुना। ये वर्ल्ड में हर जगह पाते हैं। अब टुंड्रा के अंदर, टुंड्रा की अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर उनके प्लांट्स एंडेमिक से 40% तक, 50% तक, और उसमें से वो ग्रेट डेंजर चल रहा, तो वो भी हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो ट्रॉपिकल रीजन पहले होता क्या है, चलिए इसको भी जरा एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा ब्लू अर्थ को हम बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा ब्लूइश कलर में, और ये हमारी अर्थ है। अब ये जो अर्थ है ना, ये अलग अलग पार्ट्स में इनको बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है? इक्वेटर होता है। येलो इसी वजह से बना रही हूँ इक्वेटर को, क्योंकि सन के सबसे ज़्यादा पास है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होगा,
ठीक है, उसके ऊपर हमारी दो ट्रॉपिक्स होती हैं, सबसे ऊपर जो होगी वो होगी यहाँ पर 60 डिग्री के ऊपर क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा इक्वेटर से लेकर यहाँ तक का एरिया है, इस जोन को बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। तो क्या हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है? हाँ, इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। इससे ऊपर का जो एरिया है 6.5 सिटी है, 23.5 डिग्री तक ऊपर है, इसके ऊपर 66 डिग्री तक यहाँ पर हमें टेम्परेट जोन दिखाई देता है। ये जो एरिया होता है एक टेम्परेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन होता है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ा ठंडा होता है। और उसके ऊपर तो क्योंकि वाइट ही छोड़ा है हमने, तो ये वाइट एरिया क्या है, ये आपका वाइट एरिया है यहाँ पर फ्रिज्ड जोन, जिसमें अंटार्कटिका वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये होता है आपका फ्रिज जोन, पोलर जोन जो होगा तो ये होगा ऊपर वाला, ठीक है, पोलर जोन। ये बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ होता है, भरा हुआ रहता है, इसी वजह से इसको ऐसा बोला भी जाता है। तो सवाल यही था कि क्या ये सारे के सारे ट्रॉपिकल में दिखाई देंगे? नहीं, ये ऊपर भी दिखाई देंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात करें इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर से हो जाता है, क्योंकि फिर से इसके ऊपर सवाल बन सकता है और आए भी हैं आगे जाके, आप देखेंगे। तो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्या ये बात ठीक है? ये बात तो अभी तक हमें लग रहा है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, 4 ही हैं इंडिया के अंदर तो बायोस्पोर्ट्स, लेकिन अब हम देखेंगे कि आगे क्या है। आगे कह रहे हैं कि पहला यहाँ पर है वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, फिर दूसरा है वेस्टर्न घाट्स, तीसरा हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन्होंने दो को अलग अलग कर दिया है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रीज़न फॉर दैट कि ये बात तो सच है कि 4 हैं, लेकिन हिमालयाज यहाँ पर ठीक है, हिमालयाज इसमें आता है, हिमालय का जितना भी रीजन है पूरा का पूरा, जो जिसमें पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, हिमालय के अंदर क्या क्या आएगा हम देख पाएंगे हिमालय के अंदर। रुकिए मैं थोड़ा पेन के साइज़ को छोटा कर लेती हूँ, सो दैट आप लोग अच्छे समझे। हिमालय के अंदर यहाँ पर आएगा पाकिस्तान, तिब्बत का एरिया आ जाता है, नेपाल को हम देख पाते हैं यहाँ पर, भूटान आ जाता है, चाइना को भी देख पाएंगे, राइट, और म्यांमार। तो ये जो भी एरियाज हैं यहाँ पर हिमालयाज में, ये सारे एरिया इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो बात किया गया है, क्या वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है? हाँ, वेस्टर्न घाट्स इसमें इंक्लूडेड है, वेस्टर्न घाट्स प्लस में यहाँ पर होता है श्रीलंका, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी गई हैं। तो श्रीलंका यहाँ पर है और वेस्टर्न घाट्स भी यहाँ पर है। थर्ड हम देखते हैं, कह रहे हैं कि क्या अंडमान और निकोबार आइलैंड है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात ठीक है, लेकिन इसमें अंडमान की जगह, अंडमान निकोबार आइलैंड की जगह क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है सुंडालैंड। अब ये सुंडालैंड क्या है? सुंडालैंड यहाँ पर है, सुंडालैंड उनको बोला जाता है, वो एक ग्रुप है निकोबार के ग्रुप्स के आइलैंड का, तो एक तरीके से इसको हाफ सच भी माना जा सकता है, जिसमें निकोबार ग्रुप आइलैंड तो आते हैं लेकिन अंडमान यहाँ पर नहीं आता है। तो सुंडालैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, बिल्कुल सही बात है। और उसमें हम देख पाएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया को हम देख पाएंगे, मलेशिया यहाँ पर होगा, मलेशिया, उसके बाद हम और क्या पाएंगे, सिंगापुर जो कि इसी के अंदर आता है, उसके बाद ब्रूनई, क्योंकि सेम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिलीपींस भी दिखाई देते हैं। और एट द लैंड अंडमान की जगह पे हम देख पाएंगे इंडो बर्मा को। अब इंडो बर्मा क्या है उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम। इंडो बर्मा यहाँ पर होता है, अंडमान नहीं होगा, यानी कि इंडिया का और जो बर्मा का, जो म्यांमार का रीजन है वो इसमें आता है। इसके अंदर जो भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है प्लस अंडमान ग्रुप है प्लस म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लियोस, कम्बोडिया, सदर्न चाइना, ये सारे के सारे आते हैं। तो इनके नाम क्योंकि थोड़ा गलत कर दिया गया, शॉर्ट में लिख दिया गया, तो इसी वजह से आंसर क्या होगा, डी, नीदर वन नॉर टू। तो यही यहां पर सवाल का आंसर दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 2010 में पूछा गया है, पूछ रहे हैं करेक्ट बताना है आपको। सबसे पहले देखते हैं कि जो बाउंड्रीज है नेशनल पार्क की,
वो डिफाइन की जाती है लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि एक बायोस्फेयर रिजर्व जो होगा उसको कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए, कुछ फ्लोरा यानी कि प्लांट्स वगैरह, फोना यानी कि एनिमल्स वगैरह, उनके लिए बायोस्फेयर रिजर्व की भी यहाँ पर बात होगी, नेशनल पार्क की भी बात होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी यहाँ पर लेके आया गया है कि वो बायोटिक इंटरफेरेंस को परमिट करने से लिमिट करती है। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, आप मुझे खुद एक बार पहले बताइए। मुझे जो आंसर समझ में आ रहा है कि एक बायो, देखिए सबसे पहले जो बाउंड्री लेजिस्लेशन यस एक्ट द्वारा इसको बनाया जाता है, एमपीज वगैरह कौन बनाता है, स्टेट के ऊपर इनको छोड़ दिया जाता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी ना वो किसी एक एरिया को बताएगी कि इसको नेशनल पार्क बनाना जरूरी है। सबसे पहले कि नेशनल पार्क खुद में होते क्या है, नेशनल पार्क जो होते हैं वो एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एक तो उसकी सीनिक ब्यूटी होगी, कुछ उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, कुछ जो मेंटेन करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा उसको ओन किया जाता है, लेकिन नोटिफाई कौन करेगा, नोटिफाई यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ओन्ड इनको किया जाएगा यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम इसमें आ सकते हैं जिसमें ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन को थोड़ा अल्टर कर दिया जाए ताकि वो इनको परेशान ना करें। और जियोमॉर्फिकल जो साइट्स होती हैं, हैबिटेट होते हैं स्पेशली साइंटिफिक एजुकेशनल रिक्रिएशनल इंटरेस्ट को, उसको यहाँ पर एज ए नेशनल पार्क बना दिया जाता है। इंडिया में अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क जो इंडिया में है वो IUCN की कैटेगरी के अंदर आते हैं, टू प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। तो IUCN जो है आपका उसकी जो कैटेगरी टू है यानी कि वर्गीकृत जो कैटेगरी टू रखा गया है उसके अंदर यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इंडिया में उनको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि 1972 के अंदर सबसे पहले यहाँ पर इंडिया ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए, उसी के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आए जो कंजर्वेशन रेलिएंट स्पीशीज को यहाँ पर लाता है कि ऐसा करना चाहिए। इंडिया के अगर फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करूँ, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हम देख पाएंगे कि 1936 के अंदर यहाँ पर हेले नाम का नेशनल पार्क इंडिया के अंदर बनाया जाता है जो कि आज के टाइम में ऑल्सो नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह माना जाता है जो कि लद्दाख में, और ये काफ़ी बड़ा भी यहाँ पर नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा इसको माना गया है। और 1970 तक इंडिया में सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क होते थे, अभी ये नेशनल पार्क की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं फिर सेकेंड पॉइंट हमारा है बायोस्फेयर रिजर्व्स। तो बायोस्फेयर रिजर्व्स में ये क्यों गलत किया गया है कि इसमें क्यों, देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है ना वो है यहाँ पर फ्यू के ऊपर, यही ऐसी चीज़ है, अगर ये फ्यू नहीं होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। इसी वजह से हर छोटे शब्द के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बायोस्फेयर रिजर्व होता है वो कंजर्व तो करता है, संरक्षण तो करता है स्पीशीज़ का, फिर यहाँ पर वो फ्लोरा की और फोना की उन सभी का संरक्षण करता है, लेकिन फिर से ये स्पेसिफिक और जो फ्यू आ गया ना ये वर्ड्स इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ है उन सभी का यहाँ पर कंजर्वेशन होता है। कैसे होता है ये कंजर्वेशन उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि बायोस्फीयर जो रिज़र्व होता है वो एक्चुअली में अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। जैसे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कोर एरिया, ठीक है, ये छोटा सा एरिया है जिसको क्या बोलेंगे, कोर एरिया, किसी भी बायोस्फीयर का ये कोर होगा। उसके बाद अगर हम इसमें फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर एक एरिया दिखाई देता है जिसको बफर जोन बोला जाता है। अब ये बफर जोन क्यों है वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, बफर जोन ये होगा, और इसके एंड में हम लोग देख पाएंगे एक ट्रांजिशनल जोन को, ठीक है, क्या होगा ये ट्रांजिशन जोन लास्ट में, कुछ इस तरीके से बायो जो आपके स्फेयर होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये जो ट्रांजिशन जोन है इसका क्या काम है, ये क्यों बनते हैं वो मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगी, इनका काम क्या होगा वो अच्छे से हम एक बार देखते हैं यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले बिल्कुल कोर एरिया से समझते हैं कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना वो एक बहुत ही लार्ज एरिया होता है जो लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे, रिसोर्सेज होंगे,
जो ट्राइब्स होती हैं उनकी ट्रेडिशनल लाइफ्स का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए इसमें एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपको कहीं पर लग रहा है कि ये सिर्फ टाइगर का यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीशीज़ दिया गया ना, फ्यू दिया गया प्लांट्स को, क्या लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ये कोई प्लांट है, कोई स्पीशीज़ है उसका इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ टाइगर को यहाँ पर बचा रहा है? बल्कि इसके अंदर जितने भी आपको प्लांट्स एंड फौना दिखेंगे उन सब का कंजर्वेशन हो रहा है। जैसे कि कोर एरिया, कोर एरिया एक ऐसा एरिया होता है ना जो यहाँ पर आपका मतलब कि इसके अंदर हर चीज़, इसके अंदर कोई भी इंसान एक तो नहीं जा सकता है, ठीक है, और वो हर चीज़ जो भी यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंजर्व करेंगे कि उसके ऊपर लेजिस्लेशन लगे होते हैं कि आप कौन सा काम कर सकते हो, कौन सा काम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन ताकि उनके अंदर जो है उनको बचाया जा चुके। और इस कोर के अंदर या फिर नेचुरल जोन जो है, न्यूट्रल जोन जो है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी अलाउड नहीं होती है। तो बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पर क्या होगी, प्रोहिबिटेड होगी कि आप कोई भी काम यहाँ पर ना करें। फिर हम नेक्स्ट एरिया की तरफ दे जाते हैं जो कि क्या है, बफर जोन है। बफर जोन में क्या क्या होता है? बफर जोन देखिए, एक तो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो रिसर्च में इस्तेमाल हो सकता है, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जा सके, किसी का अगर ट्रेनिंग करानी है तो ट्रेनिंग के पर्पज से भी इस्तेमाल हो सकता है, और एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चार कुछ साइंटिफिक मेथड और बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है। फिर ट्रांजिशन जोन की बात करें अगर, तो ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन है जिसके अंदर जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो पाई जाती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज्म वगैरह ये सब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉसिबल हो जाता है। टूरिज्म दे देते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स को यहाँ पर रहने देते हैं, तो हम यहाँ पर एक हट बना देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि घर वगैरह भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस एरिया के अंदर बहुत सारा मैनेजमेंट जो होता है उसका काम भी ज़्यादातर लोकल पीपल्स को ही दे दिया जाता है कि वो सेटलमेंट कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं यहाँ पर, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। तो ये पूरा का पूरा होता है कोर जोन। तो क्या आपको कहीं पर भी स्टेटमेंट में यहाँ पर लगा कि किसी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करना, फ्यू या स्पेसिफिक स्पीशीज़ का हमें प्रोटेक्ट करना, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लगा? तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट टू है वो यहाँ पर गलत जाती है, राइट? ये स्टेटमेंट टू क्या है, गलत हो रही है, स्टेटमेंट वन ठीक है। लास्ट में हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ, जो कि कह रही है कि एक लिमिटेड बायोटा इंटरफेरेंस परमिशन देती है। देखिए बायोटा क्या होता है हमें वो समझना होगा, बायोटिक यानी कि ए बायोटिक एंड बायोटिक होती है लिविंग थिंग्स की, तो उसमें लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या ये लिमिटेड शब्द यहाँ पर ठीक है, नहीं है? तो परमिशन के हिसाब से उससे पहले हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को समझना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्चुअली में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बहुत सारी खासकर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है यानी कि जिनको खतरा है, उन स्पीशीज़ का यहाँ पर घर होता है। और कोई भी अगर खतरा है किसी को भी तो उनको बिल्कुल उन्हीं के एनवायरनमेंट की तरह, उन्हीं के जो उनको चाहिए रहने के लिए, उनको यहाँ पर क्या दिया जाता है, होम दिया जाता है कि वो यहाँ पर रह ले। और उसी वजह से उनके लिए जो उनके लिए एक सेफ बनाया जाता है ताकि वो हंटिंग से सेफ हो सके, प्रिडिक्शन शिकार वगैरह से सेफ हो, कंपटीशन से सेफ हो सके। और ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है ना, ये सेफ गार्ड करती है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको जू में ना लाके, बंद ना करके, वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो उसी के अंदर वो रहें अच्छे से। इसके अंदर कुछ राइट्स होते हैं जो पीपल यहाँ पर रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के प्रति, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, सर्टेन राइट्स मिलते हैं जिसमें सेंचुरी के अंदर वो आ सकते हैं या फिर यहाँ पर सेंचुरी के अंदर कभी कभी घूम भी सकते हैं, लेकिन उसमें राइट्स जो होंगे वो आपको अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ सर्टेन यानी कि कुछ राइट्स होंगे, फ्यू राइट्स दिए जाएंगे यहाँ पर जो पीपल रह रहे हैं या जो पीपल यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या इसमें हमें लिमिटेड दिखाई नहीं दे रहा है कि लिमिटेड इंटरफेरेंस कर पा रहे हैं, कि लोगों को बहुत ही कम मात्रा में या लिमिट में रखकर कुछ इंटरफेरेंस किया जाता है? और हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि ग्रेजिंग यानी जो चरवाहे होते हैं जिनको उसे बोला जाता है कि ग्रेजिंग करवानी है, ऐसी चीज़ें, या फिर जो फायरवुड होंगी आप लकड़ी को काटने के लिए उसको जलाने के लिए लेके जाओगे, तो इनको बहुत या तो ये मना होंगी, सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स को ये क्या की जाएंगी, अलाउड की जाएंगी और सभी के लिए इसको मना कर दिया जाएगा, और या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली
इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसके ऊपर कानून लगाए जाएंगे कि ठीक है आप लोग अगर आ भी रहे हैं तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान रखना है। तो इतना समझ के हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो बात की जा रही है ना बायोटिक इंटरफेरेंसेस की वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हमें काफ़ी मात्रा में ठीक लग रहा है कि हाँ ये तो सही है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अब कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन हमें समझ में आता है कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है 2010 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल का बोलना है कि एक पेस्टिसाइड जो विच इज़ अ क्लोरोनाइटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक पेस्टिसाइड का नाम है। पेस्टिसाइड क्या होगा, जो किसी पेट्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर पेस्ट आते हैं खेती के अंदर, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मार दे, किल कर दे, ठीक है। हर्बिसाइड क्या होगा, जो हम जिन चीज़ों को नहीं चाहते हैं एग्रीकल्चर में, वो चीज़ें जब उग जाती हैं एक जगह पर तो उनको कौन मारता है, तो उसको हर्बिसाइड बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि इसका नाम है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी क्लोरिन उसके साथ में, हाइड्रोजन है, कार्बन से ये एक साथ में जुड़े हुए हैं। इसको स्प्रे किया जाता है एक फूड क्रॉप पे, कोई खाने की क्रॉप है, मान लीजिए चने की खेती है, उसके ऊपर इसको स्प्रे कर दिया गया। जो फूड चेन थी ना इस फूड क्रेप के अंदर, वो थी रेट, रेट यहाँ पे थे, उसको खाने के लिए स्नेक था और स्नेक को होक खा रहा था, ये फूड चेन थी। इस फूड चेन के अंदर जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा पेस्टिसाइड का, खासकर अक्यूमुलेट होगा, वो कौन से में होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर आएगा। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर दो कंसेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या है वो दो कंसेप्ट इस सवाल को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दो टाइप ऑफ कंसेप्ट होते हैं। एक होता है आपका बायो मैग्नीफिकेशन, यानी कि कोई चीज़ें बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ जा रही हैं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर है बायो एक्यूमुलेशन। इस एक्यूमुलेशन से हमसे सवाल पूछा गया है, लेकिन क्योंकि दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं तो इसी वजह से हमें इसको समझना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले बायो मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें, हम समझे इसको कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो बायो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर मतलब होता है यानी कि एक ऐसा प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि बहुत मात्रा में प्रोग्रेसिवली कोई चीज़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही है और वो इकट्ठी हो होकर एक मात्रा के बाद क्या होगी, बढ़ जाएगी ना बहुत ज़्यादा मात्रा में। और क्यों बढ़ जाएगी एक्यूमुलेशन, क्योंकि एक चीज़ अगर इकट्ठी होगी तो एक टाइम पे इकट्ठी हो कि उसका साइज़ बढ़ेगा तो वो मैग्नीफाइंग दिखने लगेगी। अगर कोई आपने एक सिक्का है आपके पास, वो इस तरीके से रखा हुआ है तो वो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर 100 सिक्के और रख देंगे, रखते जाएंगे तो बड़ा दिखने लगेगा ना। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर करता है बायो मैग्नीफिकेशन का। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ये टाइम के साथ साथ ये जो है वो बढ़ता जाता है, किसके साथ, प्लस यहाँ पर पैसेज ऑफ टाइम होगा कि टाइम बढ़ता जा रहा है तो बायो मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पर होती जा रही है। अगर बायो मैग्नीफिकेशन को करवाना है तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। पोल्यूटेंट जो होता है, एक तो जो बायोलॉजिकल यहाँ पर हाफ लाइफ है, यानी जो पोल्यूटेंट होगा जो जा रहा है बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पर पेस्टिसाइड है तो पेस्टिसाइड क्या है, पोल्यूटेंट है। तो बायो मैग्नीफिकेशन होने के लिए पोल्यूटेंट को क्या चाहिए, पोल्यूटेंट के ऊपर दो होनी चाहिए, एक तो जो उसकी जीवन है वो उसकी एक लंबा होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होनी चाहिए उसके पास कि वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह सके। दूसरी बात ऐसी है कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। तो वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर के अंदर अगर वो कोई भी चीज़ पोल्यूटेंट सोल्यूबल हो जाएगी ना, तो फिर वो हमारे यूरिन के तरफ से या किसी भी तरीके से बाहर आ जाएगी। तो वो वाटर सोल्यूबल ना होते हुए फैट में सोल्यूबल होना चाहिए, यानी कि फैट के अंदर वो मिल जाना चाहिए और फिर वो ज्यादा मात्रा तक यहां पर क्या रहेगा, जैसे किसका एग्जांपल भी है DDT के नाम से, तो वो ज़्यादा मात्रा तक बॉडी में रह सकता है। अब हम चलते हैं बायो एक्युमुलेशन के टाइम पे। देखिए बायो एक्युमुलेशन का एक मतलब है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो पोल्यूटेंट होता है, यानी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड की बात की जा रही है, वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर एक्युमुलेशन क्या है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। तो पेस्टिसाइड जो है वो पहले कम था, फिर आपने कुछ और खाया, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर और खाया, फिर और ज़्यादा हो गया। इसमें केमिकल हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकती हैं। तो बायो एक्युमुलेशन जब होता है ना, और जो उसका रेट होता है ख़त्म होने का, वो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पर कम होता जाता है। क्योंकि देखिए क्या होगा ना, कैटाबॉलिज्म जो होगा वो ब्रेक डाउन कर
कर देगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो कुछ उनका एक्सक्रेशन होगा वो धीरे धीरे उसको बाहर भी निकाल देगा। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन ये तो ऑर्गेनिज्म में तो कम जाता जाएगा, लेकिन फिर वो किसी ऑर्गेनिज्म में बड़ा भी होगा, वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। सबसे ज़्यादा अभी तक हमें नुकसान किसका देखने को मिला है, वो देखने को मिला है हमें आज तक DDT नाम का। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, इसका जो अक्यूमुलेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अब हम समझते हैं कि मैंने आपको बोला कि देखिए, अब यहाँ पर फूड चेन की तरफ आते हैं, हमने कंसेप्ट समझ लिया। एक फूड क्रॉप है, उस फूड क्रॉप के ऊपर कुछ स्प्रे किया गया है, राइट। अब हम उस स्प्रे के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्प्रे किया गया था ना, उस स्प्रे में सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्ट फूड क्रॉप के ऊपर है। लेकिन फूड क्रॉप को जब यहाँ पर रैट खाता है, तो उसने उसको क्योंकि भूख कम लगी थी, तो उसने रैट ने उस फूड क्रॉप के कुछ एक भाग को खा लिया, ठीक है, एक पत्ते को खा लिया उसने। अब इस पत्ते को खाने के बाद में रैट को क्या हुआ, उसके शरीर में कुछ परसेंट, हम मानते हैं कि इतना सा, हम एक चूहे को यहाँ पर बनाते हैं, चलिए हर किसी को हम बना देते हैं डायग्राम के थ्रू, सो दैट और अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्रॉप है, ठीक है, ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं अलग अलग, और इन क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर हमारा जो पेस्टिसाइड है उसको हम रेड कलर से दिखा सकते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि ये खतरनाक है। पेस्टिसाइड को यहाँ पर कौन खा लेता है, पेस्टिसाइड को खा लेता है चूहा, राइट, ये जो चूहा है ये इसको खा लेता है। तो ये जो चूहा खाएगा, वैसे लग नहीं रहा है चूहे की तरह, लेकिन मान लीजिए चूहा है, इसके शरीर में क्योंकि इसने एक पत्ते को खाया, सिर्फ इतने हिस्से को खाया, तो इसका जो वो पेस्टिसाइड है वो इतना आ गया है। अब एक स्नेक आके इस चूहे को खाएगा, अब एक स्नेक जो है उसका एक पत्ते से पेट तो, या एक चूहे से तो पेट नहीं भरने वाला है, तो वो क्या करेगा, ये जो स्नेक होने वाला है अब ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चूहों को खाएगा। अब ये एक की जगह यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 रैट्स को खा रहा है, 5 रैट्स को। अब पांचों रैट्स के अंदर एक एक ये था, ठीक है, एक एक था बॉडी में, तो इसकी बॉडी में कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पेस्टिसाइड जो था इसकी बॉडी में 5 आ चुके हैं, क्योंकि इसने 5 रैट्स को खा लिया है। अब हम आगे स्टेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है होक वाली, यहाँ पर यानी कि होक जो होगा, ईगल जो होता है, बाज जो होता है, वो यहाँ पर आकर बहुत ही बड़े बड़े उसके ये मान लीजिए पंख हैं, वो यहाँ पर आता है आसमान से और वो स्नेक को खा लेता है। लेकिन होक को भी क्योंकि बहुत बड़ा पेट है, तो एक स्नेक से उसका काम नहीं चलने वाला है। अब वो मान लीजिए 2 स्नेक को खा रहा है एक दिन के अंदर, तो अब उसके शरीर में कितने होंगे, एक स्नेक में 5 है यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, उसके शरीर में 10 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब आप मुझे खुद ही इसका आंसर बताइए कि सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन किसके बॉडी में हो रहा है। तो हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा तो होक की बॉडी में, क्योंकि 10 नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पेस्टिसाइड का जो लेवल है, अगर हम इसको एक छींटे से भी लगाएं कि एक जो ड्रॉप है, अगर एक ड्रॉप यहाँ पर चूहे के अंदर गई थी, और प्लांट के ऊपर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किसी एक प्लांट में एक ही ड्रॉप थी, उसको चूहे ने खाया तो उसके बॉडी में एक ड्रॉप आ गया, लेकिन सांप ने 5 चूहों को खाया तो हमें पता चला उसकी बॉडी में 5 हो चुकी हैं एक दिन में। और फिर जब वो होक खाता है तो उसकी बॉडी में 10 ड्रॉप्स ऑफ पोल्यूटेंट यहां पर पेस्टिसाइड की हो चुकी है। तो आंसर क्या होगा, होक यहां पर आंसर बन जाएगा।